हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय भूगोल का बात करेंगे। भारतीय भूगोल से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग भारत एक परिचय को देखेंगे, जिससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, यानी कि भारतीयों का समूह किससे संबंध रखते हैं, तो कॉकेशियाई से, जो कि लगभग एक अत्यधिक जटिल जो कि एक इंडो आर्यन को नॉर्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही यूरोपियन कॉकेशियाई प्रजाति भी कहा जाती है। आगे देखते हैं, कौन से देश पाक जल डमरुद से जुड़ा हुआ है, तो भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जल डमरू मध्य के बीच से जुड़ा हुआ है, जिसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पाक स्ट्रेट कहाँ से सबसे नज़दीक है, तो ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है श्रीलंका, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास किसके मध्य स्थित है, डंकन पास किसके किसके बीच में, तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में। डंकन पास जो है वो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ये एक जल संयोजी है। आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। फिर 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848, वर्तमान में यह लगभग डेटा है जो बदल गया है, 8850 मीटर कहीं कहीं पे मिलेगा, ठीक है। और ये हिमालय पर्वत जो है नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये ऑप्शन के थ्रू है, तो ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड, तो इनमें से झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। मैं बताता हूँ, जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, वो कौन कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन बेस है, तो ऑप्शन में है गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, तो उड़ीसा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो रेखा कौन कौन सी, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा, इनमें से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, पश्चिम से पूरब की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है, इसमें शहर दिया हुआ है, ऑप्शन में बता रहा हूँ, कोलकाता, विशाखापत्तनम, मुंबई और श्रीनगर, तो इनमें से जो भूमध्य रेखा के निकट है वो है विशाखापत्तनम। तो ये किस पे निर्धारित होता है, तो अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर ये नगरों का भूमध्य रेखा की निकटता पता लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णीय कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो देश के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे उष्णीय कटिबंध जलवायु पाया जाता है। आगे, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किस शहर के पास से होकर गुजरती है, तो भोपाल से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के पूर्व में, और ये मन्नार की खाड़ी जो है हिंद महासागर का एक भाग है। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है कौन सी, तो मैकमोहन रेखा।
कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये एक तमिलनाडु का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम है, जो कि रामनाथपुरम जिले तमिलनाडु में पड़ता है, और यहीं पे पंबन चैनल भी एक दूसरे को अलग करती है। आगे देखते हैं, सियाचिन है, सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिम नदी सीमांत क्षेत्र, जो सियाचिन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बर्फीली सीमा बनाती है। आगे देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। ये लगभग 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये पिंडारी हिमनदी की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर और गंगोत्री हिमनदी की लंबाई लगभग 30.2 किलोमीटर है, और ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा और काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर भी सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सा है? तो ये निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का सबसे सुदूर दक्षिण भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का दक्षिणी नोक किसे कहा जाता है? तो केप कमोरिन को, यानी भारत का एक दक्षिणी जो क्षेत्र है मुख्य भूमिका वो केप कमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान से लगने वाले जो राज्य है भारतीय राज्य, उसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो अंटार्कटिका जाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम ने किया था, और यह अभियान कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1981 में, और जाकर के पूरा हुआ 1982 में। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड लाइन किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये पाकिस्तान विभाजन से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, पर जब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर का निर्धारण किसने किया था? तो सैर कॉरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को बनाया था। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है तो भारत और चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो ये सभी जो है अरब सागर में, ये सभी प्रवाल उद्गम के द्वीप माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो ये जो है ओलिव रिडले टर्टल, ये खास करके उड़ीसा राज्य में उसके समुद्री तट पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जबकि भारतीय तट रेखा की लंबाई देखा जाए तो 7516.5 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? यानी भारत के कुल जल क्षेत्र समुद्रीय क्षेत्र कितना है? तो 12 नॉटिकल मील। आगे देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ले कच्छ का भूदृश्य है, कच्छ का भूदृश्य मतलब निम्न समतल तथा बालुकामय मैदान है, जो कि कच्छ का भूदृश्य, और ये किधर पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और ये एक मौसमी दलदली प्रदेश है कच्छ। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची दर्रा है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणी से लगा हुआ है। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? तो नर्मदा से ताप्ती के बीच में जो सुरंग है वो
भारत का मानव निर्मित सुरंग है। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी में पूर्वी और पश्चिमी घाटी मिलती है। पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है, जबकि पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि केरल के आसपास में, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो ये पूर्वी घाट का भाग है। गारो खासी और जयंतिया पर्वत ये लगभग मेघालय में मेघालय पठार का भाग है। आगे देखते हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ से कहाँ तक, तो भारत के राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक स्थित। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। आगे देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में? तो ये लगभग 17.5% यानी कि 17.49% भारत की कुल जनसंख्या विश्व में है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? तो दूध उत्पादन से। ये कब से शुरू हुआ? 1970 से। तो ये तीन चरण में अभी तक हुआ है, 1970 से 81, 81 से 85 और 1985 से 1994 के बीच में। इसे ये श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, जिसका पूर्व का नाम लाहिचिंग पिगमेलियन पॉइंट पर्सन था, जो कि बाद में इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है, कहाँ है, यानी कि कन्याकुमारी में। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सी है? तो मुंबई। मड आइलैंड जो है मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है, और यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, यानी कि मड फोर्ट भी क्वेश्चन में अगर दिखे तो ये कहाँ? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो दक्षिणी अंडमान में, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? ये कहाँ पे? तो म्यांमार। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन इसको देखेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा भारतीय मानक समय से 2.5 घंटा आगे, और एक देशांतर में अगर देखें तो 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। उससे पहले कौन कौन से है? तो सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत का विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो ये है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाती है, जो लगभग 4,096.70 किलोमीटर है। और वही चीन की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो चीन 3,488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान से 2,910 किलोमीटर और भूटान से 699 किलोमीटर की दूरी बनाती है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो यह है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट से होकर के गुजरती है, और यह महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक लगभग 760 किलोमीटर लंबा है, और इस पर यातायात कब शुरू हुआ? तो 26 जनवरी 1998 से। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो गोवा और दमन के बीच में। आगे देखते हैं, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरेंगे? ये एक ऑप्शन वैसे
ऑप्शन है भुवनेश्वर, चेन्नई, सोलापुर, विशाखापट्टनम, तो ये सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आयु है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो जम्मू और कन्याकुमारी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो ये है 68°7' पूर्व से लेकर के 97°25' पूर्व तक। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत अवस्थित है तो ये अक्षांश की बात कर रहा, तो 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा कौन सी है, तो 37°6' नॉर्थ में, ये अक्षांश है नॉर्थ अक्षांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो 37° उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितना है, तो 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है, और वही पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है, पूर्व से पश्चिम, तो इसका कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। वही पश्चिम से पूर्व की बात करें तो भी उतना ही 3214 किलोमीटर। दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, इसे पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है, यानी चिल्का झील में कौन से जीव पाले जाते हैं, तो झींगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है, ओडिशा में। आगे देखते, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते, तो कर्नाटक में, ये मेलगिरी पर्वत श्रृंखला में चंदन के सर्वाधिक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। आगे, नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया कि पहले तो कि नर्मदा बचाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो 1985 में किसने शुरू किया, तो मेधा पाटेकर ने। आगे देखते हैं, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय श्रेणी जो है वो उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है, और वही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहे तो K2 गार्डमिन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन हिमालय की चोटी ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, यानी कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारे उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है, तो उत्तर में कौन सा है हमारा, हिमालय, जो कि एक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। पर्वत केटू नाम से भी जाना जाता है, तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा तथा तापी के बीच में। सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। आगे, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है, तो नंदी हिल्स जो है बंगलौर के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है। शिवालिक जो है किसके किसके बीच में फैला हुआ है, तो पोतवार बेसिन और तिस्ता के बीच में शिवालिक श्रेणी फैला हुआ है। शिवालिक को उप हिमालय श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और यह श्रेणी जो है पोतवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी और तिस्ता नदी तक फैली हुई है।
आगे देखते हैं उत्तर पश्चिम का पर्वत है, उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है, तो हिंदू कुश पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे देखते जो हिंदू कुश पर्वत है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैली हुई है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत जो कि गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीरोजोइक युग में हुआ था और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है, तो ये महेंद्रगिरी चोटी जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है और ये महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है महेंद्रगिरी पर्वत की। आगे देखते निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, कोडाई कनाल जो है वो पालनी पर्वत में स्थित है डिंडीगुल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुडी है और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दोदावेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो ये मालवा का पठार जो है वह अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। आगे देखते निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में रहती है, तो ये श्रीलंका में है स्थित एलिफेंटा पास। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, तो खारदुगला के पास लेह मनाली जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है और इसका निर्माण 1997-98 में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था और जिसकी ऊंचाई लगभग 5450 मीटर है और यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। आगे देखते हैं भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क है जो इन स्थानों को जोड़ती है, तो कौन कौन सी, तो लेह तथा मनाली वाली जो अभी हमने बताया वो है लेह तथा मनाली, ठीक है। कौन सी था, खारदुगला के पास वाला लेह मनाली, ठीक है। इस तरह से आज का वीडियो हमारा भारत एक परिचय जो अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियो डालें उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।